नोएडा के सेक्टर 24 में इस प्रोविडेंट फंड दफ्तर पर सीबीआई ने कल छापेमारी की। सीबीआई ने छापा मारकर एक पीएफ इंस्पेक्टर को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के दो अधिकारियों ने सीबीआई को पीएफ दफ्तर में ली जा रही मोटी घूस के बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद सीबीआई ने पीएफ दफ्तर पर नजर रखनी शुरू की। सोमवार शाम को 5 बजे सीबीआई ने अचानक दफ्तर पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम को आरोपी पीएफ इंस्पेक्टर हरिप्रसाद के पास से लाखों की रकम भी बरामद हुई। हालांकि छापेमारी के दौरान तब अजीब हालात बन गए जब मौके पर पहुंचे पीएफ अधिकारियों के वकीलों से सीबीआई की बहस हो गई। बहस कर रहे वकीलों ने आरोप लगाया कि सीबीआई के अफसरों ने आरोपी की पिटाई की है। वो बिना अथॉरिटी के काम कर रहे हैं। अच्छा, नाम अपना नहीं बता रहे हैं। कोई कार्ड किसी का फंडामेंटल राइट कैसे खत्म कर सकते हैं? मार के फिजिकली मार के फिजिकली नहीं है। एडवोकेट्स आए हैं, कोई यहां सुन लो, ये थोड़ी आए हैं। हालांकि बाद में सीबीआई के अफसरों ने वकीलों को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया और सीबीआई की टीम आरोपी पीएफ इंस्पेक्टर हरिप्रसाद को अपने साथ ले गई।